परफेक्ट किस्म के चाइनीज वेजिटेबल रोल बनाओ और सबके दिल जीतते जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चाइनीज़ रोल की बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि हम सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे, चाइनीज़ वेजिटेबल रोल भी आप इसको कह सकते हैं। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हमने जो वेजेस हैं उनको अच्छे से जो है चॉप कर लेना है, ठीक है। इसमें जी मैंने वेजेस को चॉप कर लिया था और वीडियो बाद में रिकॉर्ड करना शुरू की थी। तो जी सबसे पहले हमने ले लेना है प्याज, बंद गोभी, टमाटर, गाजर और थोड़ा सा जो है वो हमने धनिया ले लेना है और उसको अच्छे से चॉप कर लेना है। बस जी यही वेजेस जाएंगी इसमें, इसके अलावा कोई भी वेजेस नहीं जाएंगी। इसके बाद जी स्पाइसेस ऐड कर लेनी है। हाफ़ टी स्पून जो है हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है, हाफ़ टी स्पून इसमें हमने गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। हाफ़ टी स्पून जो है हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अच्छा जी, जब आपने चिकन पाउडर ऐड करना है तो नमक बहुत एहतियात से आपने ऐड करना है। ये जी हमने हाफ़ टी स्पून जो है चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद जी हमने थोड़ा सा जो है पार्सले इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, एक टेबल स्पून के करीब करीब। और इसके बाद जी हमने इसमें थोड़े से ऑरेगानो के जो लीव्स होते हैं वो हमने ऐड कर देने हैं। ऑरेगानो पाउडर अगर आपके पास हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तमाम स्पाइसेस हैं जो हमने ऐड की हैं, अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। पहले स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे, इसके बाद जी हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। ये जी स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमने जी मायोनीज़ ली है, 2 टेबल स्पून मायोनीज़ ली है मैंने, वो अब हमने इसमें ऐड कर देनी है और इनको जो है मायोनीज़ के साथ वेजेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। तो ये जी बहुत ज़बरदस्त से, बहुत मज़ेदार से, बहुत लाइट से जो है ना हमारे रोल बन जाएंगे, वेजिटेबल रोल, चाइनीज़ वेजिटेबल रोल आप इनको बोल सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत पसंद आएंगे आपकी फैमिली को। तो ये जी हमारा मिक्सर रेडी हो गया। तो अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब करीब हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है, ठीक है। तो कॉर्नफ्लावर से ये होगा कि इसका पेस्ट जो है वो अच्छे से बन जाएगा, थिक सा हो जाएगा और जो रोल है वो बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलें जी अब चलते हैं रोल बनाने की तरफ। तो जी सबसे पहले हमने जी ये थोड़ा सा मैदा लिया मैंने, उसमें पानी डाल के उसका पेस्ट सा बना लिया, ठीक है। अब जी आपके पास ब्रश हो तो ठीक है, नहीं तो आप फिंगर की मदद से जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से आपने एजेस पे जो रोल पट्टी हमने ली है उसके एजेस पे अच्छे से जो है कोट कर देना है इस पेस्ट को, ताकि जब हम रोल को बंद करें तो वो इजीली जो है वो बंद हो जाए। तो जी ब्रश मुझे नज़र नहीं आ रहा था इसलिए मैंने हाथ का इस्तेमाल कर लिया, आप भी चाहें तो हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, मेरे हाथ जो है अच्छी तरह से वॉश किए हुए थे। तो जी उसके बाद जी हमने इसमें जो हमारा पेस्ट बनाया वेजिटेबल्स का वो हमने इसमें रखना है और इसको बंद कर लेना है, ठीक है। बंद करने की टेक्निक आप अच्छी तरह से देख लें ताकि जब आप बंद करें तो जो रोल है वो खुले नहीं, ठीक है। ये जी हमने पहले साइडों से बंद करना है, ठीक है, फिर इसको रोल करना है ये इस तरह से। तो अब जी हमने इसको यहाँ से पकड़ के रोल कर लेना है। और जो मिक्सर है वो आपने ज़्यादा नहीं डालना है, ये नहीं करना है कि रोल बंद ही ना हो या जो रोल पट्टी है वो आपकी ख़राब हो जाए और रोल बंद ही ना हो सके। मुनासिब सा रोल पेस्ट डालिए और रोल को अच्छे से जो है वो बंद कर लीजिए। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म के हमारे रोल बंद हो गए हैं। तो इसी तरह से जी सारे रोल जो है मैंने बंद कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये जी मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और अब जी रोल जा रहे हैं फ्राई होने। इनको जी हम डीप फ्राई करेंगे, आप इनको शैलो फ्राई नहीं करेंगे। शैलो फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई भी नहीं होंगे और टूट भी जाएंगे, ठीक है। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया फ्राई करने वाली और इसमें जी ये देखें सिर्फ 2 से 3 मिनट में जो रोल हैं वो ज़बरदस्त किस्म के बन के तैयार फ्राई हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल के और बहुत ही टेस्टी, इस तरह से लगते कि जैसे बहुत ही कुछ ना आप बाहर की कोई चीज़ खा रहे हो, घर में बना मानेंगे। तो ये जी मैंने अफ्तारी में बनाए थे फटाफट से क्विक सी रेसिपी, इसीलिए आपके लिए रिकॉर्ड की। ये जी साथ टैंग है, साथ इमली का शरबत है, इमली के शरबत की रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।